सुबह डिशेस फूड में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज मैं आलू टिक्की चाट की रेसिपी से कर रही हूँ। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स, मैंने यहाँ छोले में मसाले का यूज़ बहुत ही कम किया है। अगर बिल्कुल आप मार्केट लुक देना चाहते हैं चाट को, तो छोले में तेल और मसाले का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करें। तो इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम सफ़ेद मटर। आप चाहें तो काबली चना से भी इसे बना सकते हैं। और ये हल्दी और ये बेकिंग सोडा, ये मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं। मैंने कश्मीरी मिर्च ले लिए हैं, मस्टर्ड ऑयल, 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो को मैंने पेस्ट बना लिया है, 2 मीडियम साइज़ के ओनियन को मैंने रफली काट लिया है, हींग, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, किचन किंग मसाला, सॉल्ट, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, और मैंने लिया है 2 सूखी लाल मिर्च, साबुत जीरा, 2 तेज पत्ते और ये धनिया बारीक कटा हुआ। तो फ्रेंड, मैंने सफ़ेद मटर को रात भर के लिए पानी में भिगो के छोड़ दिया था। इसे अब हम बॉईल कर लेते हैं। बॉईल हमें उतना करना है जिससे ऊपरी लेयर जो है इसके हटे नहीं। तो मैंने गैस ऑन कर लिया है, कुकर में मैंने मटर को डाल दिया है और इसमें मैंने पानी भी ऐड कर दिया है। पानी फ्रेंड हमें मटर से थोड़ा ही ऊपर डालना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी यूज़ करोगे तो मटर के जो ऊपर वाले लेयर होते हैं वो हट जाते हैं और फिर मटर जो है अच्छे नहीं बनेंगे छोले। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग सोडा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन हम बंद कर देंगे। आप अपने कुकर को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। इसे अच्छे से हम बॉईल करना है, पर इसे ओवर कुक नहीं करना है। इसे मैंने पका लिया है, उतार के मैंने रख लिया है। अब इसे मैं चेक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बॉईल हुए हैं। मैंने गैस को ऑन कर लिया है। एक कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून सरसों का तेल ले लिया है। जब तेल गर्म हो जाए तो ये मैंने जो रफली काट के 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन रखे थे इसे हम डाल देंगे और इसे हमें ब्राउन कलर करने तक भून लेना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ऑनियन का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसे हमें ठंडा करने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। जब ठंडा हो जाए तो इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अब इसी कढ़ाई में मैंने लिया है 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल और जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 पिंच हींग, 3 देर बाद हम सूखी लाल मिर्च भी डाल देंगे और फिर हम साबुत जीरा डाल देंगे। जब जीरा का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो हम वो जो ऑनियन का जो पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है फ्राई करने के बाद, वो पेस्ट हम डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। तो जीरा का कलर चेंज हो गया है और जो ऑनियन का पेस्ट बना लिया था वो हम डाल के इसे फ्राई करेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट हम डाल देंगे। यह मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून जिंजर पेस्ट एंड 1.5 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। वैसे डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। इसे मैंने भून लिया है। अब हम सारे सूखे मसाले इसमें डालेंगे, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी। इसे डाल के हम भूनेंगे अच्छे से। रेड चिली पाउडर, वन टीस्पून किचन किंग मसाला। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे जिससे कि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब सारे मसाले डाल के इसे हम अच्छे से भूनेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, अब इसे अच्छे से हम भून लेंगे। मैंने यहाँ छोले में बहुत कम तेल और मसालों का यूज़ किया है। अगर आप छोले को और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो तेल और मसालों की क्वान्टिटी बढ़ा दें।
अब हम डालेंगे टोमेटो पेस्ट। जब मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया तो इसमें हमने डाल दिया है टोमेटो पेस्ट। जब आपके सारे मसाले से ऑयल सेपरेट हो जाए तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। मैंने इसे हाथों से मसल के डाला है। और थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे मटर। मटर को 5 मिनट तक भूनना है। 5 मिनट भूनने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 5 मिनट मैंने मटर को भून लिया है। इसमें मैं पानी मैंने मिला दिया है। जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो आप इसमें पानी ऐड करें। अगर पूड़ी पराठा के लिए आपको बनानी है तो आप ग्रेवी कम रखें। अगर टिक्की चाट या किसी टाइप के चाट बनाएं तो ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा रखें। अब मैंने यहाँ ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसे लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से धीरे धीरे पकने दें और फिर इसे हम किसी भी बाउल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं चाट के लिए इसकी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम टिक्की बना लेते हैं। तो टिक्की के लिए मैंने लिया है 400 ग्राम पोटैटो। इसे मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसे हम कद्दूकस करने वाले से घिस लेंगे। तो कद्दूकस करने वाले से इसे इसी तरह से हमें कद्दूकस कर लेना है। अब देख सकते हैं फ्रेंड मैंने सारे का पोटैटो का कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, रेड चिली पाउडर अपने तीखे के अनुसार डालें, जितना तीखा आपको पसंद हो। अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून आमचूर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और थोड़ी सी सॉल्ट, नॉर्मल वाली सॉल्ट। यहाँ मैंने सॉल्ट का फ्रेंड कम यूज़ किया है क्योंकि पोटैटो जो है वो पानी रिलीज कर देगा। ये कसूरी मेथी मैंने थोड़ी सी यूज़ की है। मैंने जिंजर को कद्दूकस वाले में घिस लिया है। बारीक कटा हुआ धनिया, ये मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली यूज़ की है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून चावल का आटा और 5 to 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। आप इसके बदले आरारोट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है जिससे मसाले जो है आलू में अच्छी तरह से मिल गए हैं। अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएं और इसके हमें टिक्की बना लेना है। आप जिस शेप का टिक्की चाहे आप बना सकते हैं। तो इसे इस तरह राउंड शेप देते हुए मैंने इसे टिक्की का शेप दिया है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड, जब भी आप टिक्की का शेप दें तो फिंगर के जो प्रिंट है वो पोटैटो में नहीं आना चाहिए, ऊपर पार्ट्स या नीचे किसी भी पार्ट्स में। और इसी तरह करते हुए हम सारी टिक्की को बना लेंगे। तो मैंने ये सारी टिक्की बना ली है। अब टिक्कियों को हम तल लेते हैं। तो गैस को मैंने ऑन कर लिया है और एक पैन में मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। हमें यहाँ सैलो फ्राई करने हैं। अब एक एक करके सारी टिक्कियों को हम इसमें रख देंगे और फ्लेम को हम मीडियम में रखेंगे। जब एक साइड ब्राउन हो जाए तो हम इसे पलट लेंगे और बहुत ही केयरफुली पलटें फ्रेंड। नहीं अगर डायरेक्ट आप इसे तेल के ऊपर पलटेंगे तो तेल के चीटे जो हैं आप पे पड़ सकते हैं। तो मैंने इसे एक बार पलट लिया है। अब दूसरी तरफ भी हम इसे ब्राउन होने तक तल लेंगे। जब दोनों साइड से जो टिक्की हैं वो ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए तो इसे हम किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही करारे और नाइस ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो इसे मैंने किसी प्लेट में निकाल लिया है। हमारा आलू टिक्की रेडी है।
अब मैंने प्लेट में आलू टिक्की ले लिया है। मैंने यहाँ एक ही आलू टिक्की लिया है, अगर आपको दो लेना है तब दो ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डाले हैं छोले और डाला है ढेर सारा इमली की खट्टी मीठी चटनी। मुझे इमली की खट्टी मीठी चटनी बहुत पसंद है तो मैंने यहाँ ज़्यादा करके यूज़ किया है। इमली की चटनी की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने यहाँ थोड़ी दही डाली है, अगर आप दही पसंद नहीं करते हैं तो अवॉइड करें। रेड चिली पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, भुना हुआ जीरा पाउडर, नॉर्मल वाले सॉल्ट, ये मैंने ऑनियन को बिल्कुल बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है तो मैंने ऑनियन डाल दिया है, ग्रीन चिली बारीक कटा हुआ, कोरिएंडर लीफ बिल्कुल मैंने बारीक काट लिया है, ऐसे भी डाल दे रहे हैं, चाट मसाला, ये महीन वाली सेव, अगर आपको नायलॉन वाली सेव मिले तो प्लीज़ उसी का यूज़ करें, आपकी चाट ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, कमेंट्स दें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नीचे के बेल बटन दबा दें जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।